जैसे वक्त पे सोया जाएगा, राइट, वक्त पे खाना खाया जाएगा, या जो है सेहतमंद चीजें खाई जाएंगी और खराब चीजें नहीं खाई जाएंगी, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल नहीं होगा घर में क्योंकि अब बच्चा आने वाला है, राइट। तो बहुत सारी चीजें जो है वो आपको आप पहले से ही लिस्ट डाउन कर लें कि ये अब फैमिली में नहीं होगा, और इत्तेफाक राय से करें, एंड देन आप देखेंगे कि इसके अंदर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और जो है, और ये कि जो लोग ये समझते हैं कि वालदैन जो है वो स्पॉइल कर रहे हैं बच्चों को या ग्रैंड पेरेंट्स स्पॉइल कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ग्रैंड पेरेंट्स को भी समझाया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा पॉइंट है जो आप समझते हैं कि बच्चे के लिए बेहतर है, लेकिन उनके पास अपना एक रीज़न होगा बच्चे को वो चीज़ प्रोवाइड करने का या वो चीज़ देने का, तो आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझें। हो सकता है कि जब वो आपको एक्सप्लेन कर रहे हो तो आपको लगे कि यस वी मिस दैट थिंग, और हमें ख्याल है हमें अपनी पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, और ये तो हमने सोची नहीं थी ये बात, कि ये बात ऐसे भी हो सकती है। तो जरूर बात को डिस्कस करें और बताएं, और फिर कोई रूल बनाए फैमिली में। मरियम, बड़ी इम्पोर्टेंट बात वो ये आपने भी बात की ना कि पेरेंट्स जो होते हैं, यानी कि दादा दादी जो होते हैं, उनको भी समझाया जा सकता है। नहीं समझाया जा सो सकता, नहीं मैं ये नहीं समझाया कहती कि जा समझाया, सकता का लफ्ज ही गलत है यहाँ पे। नबी लेकिन उनकी बात करीम सुनी क्योंकि उनकी सल्लल्लाहु बात को अलैहि समझा भी वालैहि जा सकता वसल्लम, है ना। सुने आप, मैं ये सुने ये थोड़ी क्लियर करना चाह रहा हूँ बात। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी और अहम ऑथेंटिक चीज जो है ना हमारे लिए, कहीं से ना आ सकती है, ना हो सकती है, और ना है, और ना हम मानेंगे। उसमें यह है कि आपने फरमाया कि वालदैन जब बूढ़े हो जाएं, उनको उफ तक ना कहो। बिल्कुल ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इस पे कभी आप रिसर्च करें, इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब ही ये बनता है कि उनको आपकी उफ भी काबिले कबूल नहीं है, वो आपकी उफ भी नहीं सुनना चाहते, सही वो जस्ट आपसे जो रिक्वायरमेंट करते हैं या जो उनकी ख्वाहिशात हैं, जो वो चाह रहे होते हैं, सिर्फ उसको पूरा किया जाए, ना कि हम उसमें अपनी सजेशन देना शुरू कर दें, अपने फलसफे झाड़ना शुरू कर दें, अपने बच्चों का ख्याल करते हुए वालदैन को कोई नसीहत करना शुरू कर दें। सब कुछ रॉन्ग है, गलत है। हम उनको उफ भी नहीं कहेंगे। सही इस उफ ना कहने में हुजूर ने ही हमें गारंटी दे दी है कि आप उफ ना कहें। अगर उन्होंने इतनी बड़ी जो बात कर दी है, अगर इसमें कोई नुकसान होता तो आप वहीं पे हमें बता देते कि उम्मतियों, आप उफ नहीं कहोगे, लेकिन आपको वहां पे इन इन नुकसानात का खदशा होगा। आप फरमा सकते थे ना, तीन अल्फाज बोलने में क्या हर्ज था, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं कहा। इसका मतलब समझ ही आती है कि आपके उनको कुछ भी ना कहने से, उनकी हर बात को एक्सेप्ट कर लेने से आपका नुकसान कोई नहीं होगा, ना आपके बच्चों को नुकसान होगा, ना आपके माशरे को नुकसान होगा, ना आपके घर को नुकसान होगा, ना आपके घर के माहौल को नुकसान होगा। आप यकीन करें मरियम, मुझे फख्र है इस चीज पे कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस पॉइंट को जब से समझा हूँ, मैं अपनी वालदा से, हालांकि मैं खुद इंसान है ना, हर बंदा एक गुसेला होता है, मैं आज से 4-5 साल पहले तक मैं बड़ा गुस्से वाला था। गुस्से वाला इस तरीके से कि हर बंदे में होता है गुस्से की नेचर, बाहर बेशक गुस्सा करना या ना करना, लेकिन घर में गुस्सा जरूर हो जाती थी बात, वो भी एक लॉजिकल गुस्सा होता था, और पेरेंट्स पे भी गुस्सा आ जाता था, माँ के साथ भी लड़ पड़ना, वो एक अजीब सा। लेकिन जब से मुझे ये बात समझ में आई ना, आप यकीन करो मैंने हर चीज को छोड़ दिया। मेरा बड़े से बड़ा, मुझे जाहिरी तौर पे लग रहा हो ना कि यार ये तो बड़े से बड़ी गलत बात मेरी माँ मुझे कह रही है। मतलब मैं आपको आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने कारोबार किया ना, कारोबार कारोबार में मुझे मैंने 67 लाख तक मैं कारोबार में गया हूँ, ठीक है, मुझे लॉस हो रहा था, लेकिन कारोबार में आपको पता है नफा और नुकसान चलते रहते हैं। मेरी वालदा ने मुझे कहा बेटे कारोबार छोड़ दो, मैंने वहीं पे कारोबार छोड़ दिया। जाहिरी तौर पे तो ये नजर आता था वो उस वक्त पे, हालांकि मैंने मतलब अंदर ही अंदर मैं बड़ा तकलीफ में था कि यार मैंने माँ मेरी माँ कह रही है कि कारोबार छोड़ दे, मेरी माँ को कौन सा एक्सपीरियंस है कारोबार करने में, ठीक है, कहाँ पे इसने कारोबार किया होगा, इसको पता ही नहीं है। मतलब अंदर ही अंदर मैं बात करता था कि इसको पता तक है नहीं कारोबार क्या चीज़ है, ठीक है।
इसने कभी कारोबार किया नहीं, इसको क्या पता कि नुकसान किस चीज में चल रहा है, ये कौन सा मार्केट में जाती है, या ये कौन सा मतलब कारोबार चला रही है, चला मैं रहा हूँ, सब कुछ मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये मुझे ऑर्डर दे रही है कि बंद कर दे। दिमाग मेरा इस चीज पे था, लेकिन फिर वही बात कि हुजूर से बड़ी बात कोई नहीं, उफ ना कहो, जो कह दिया बस हाँ कर दो, ओके कर दो। मैंने वहीं उसी दिन फैसला किया, कारोबार बंद कर दिया। आप यकीन करें, यकीन करें, अल्लाह गवाह इस बात पे, मुझे उस कारोबार को बंद करने के बाद वो कुछ मिला है जो मुझे कारोबार से कभी भी ना मिला था, ना मिल सकना था, ना मैं उस पॉइंट पे जा सकता था। ठीक है ना सही। मरियम, अब आपके सामने रिजवान फैक्ट्री वाला बैठा है, लेकिन आज उसके पास कोई फैक्ट्री नहीं है। आप क्या समझती हैं रिजवान फैक्ट्री वाला आपकी नजर में क्या चीज है? आप एक कॉमन इंसान है ना, आप मेरे बारे में क्या सोचती होंगी? कैसे वही बहुत सारी फैक्ट्री होंगी। फैक्ट्रियां होंगी या ना होंगी, लेकिन एक इमेज कैसा है आपके माइंड में, है ना? ये किस वजह से है? ये उस माँ की बात को मान के है, उसके सामने उफ ना करके सीखा है, उसके सामने उफ ना करके पाया है। तो मेरा मानना ये है, ठीक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से। बहरहाल आपका पॉइंट ऑफ व्यू अपने नजरिए से है, मैंने इसीलिए आपको पहले कहा था कि ये जो माँ बन के और जो पेरेंट्स के सामने में दादा दादी का और ये जो अच्छा, रोल यहाँ पे होता मैं है, थोड़ा सा हम ऐड करूंगी उसका आपकी बात में। जी जरूर जरूर करें आप। आपने कहा कि उफ, मैं भी उफ करने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यही बात कर रही हूँ कि उनसे बैठ के बात की जा सकती है। लाइक आप अपनी बात करें, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, उनकी बात सुनें। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी ये बात कही थी कि जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो गलतियां दोहराना नहीं चाहते हैं जो उन्होंने अपनी औलाद की तरबियत में की होती है। तो वो अपने पोता पोती और नवासा नवासी के साथ उस उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहते, और वो अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो गलतियां ना दोहराएं। तो इसलिए वो उनको, हमें उस वक्त यानी पेरेंट्स को ऐसा लग रहा होता है कि शायद ये हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं या हमारे रूल्स के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो उस वक्त अगर उनसे बात की जाए तो हमें ये पता चलेगा कि उनका परसेप्शन क्या है इस बिहेवियर को लेके, या इस पर्टिकुलर पेरेंटिंग स्टाइल को लेके, या इस पर्टिकुलर पेरेंटिंग चीज को लेकर, कि उनका परसेप्शन क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। हो सकता है कि जब बिल्कुल हम ये उनसे बात बात करेंगे और उनकी बात सुनेंगे तो हम खुद कन्वेंस हो जाएं कि यस, हमने तो ये वाला नुक्ता सोचा ही नहीं था, या ये वाला तो पहलू हमने इस पे गौर ही नहीं किया था। और तो हम जो है खुद कन्वेंस हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि पहले आप बात करें कि क्या रूल्स होने चाहिए, और फिर इत्तेफाक राय से जो है वो बच्चों की डीलिंग होनी चाहिए, और कि हम किस तरह से करें। लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो, जैसे मैंने कहा ना कि इत्तेफाक बड़ा जरूरी है फैमिली के अंदर बच्चों के सामने, वरना फिर बच्चे बहुत हमसे कहीं ज्यादा वो समझदार हैं, और फिर वो इस नाइत्तफाकी को बड़ा एक्सप्लाइट भी करते हैं और बड़ा इस्तेमाल भी करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपको इस्तेमाल ना करें, तो घर में चाहे कुछ भी हो रहा हो, एक दूसरे का साथ दें और एक दूसरे के साथ इत्तेफाक में रहें। फिर बाद में बैठ के एक दूसरे से जरूर डिस्कस करें कि भाई ये जो मसला है, ये मुझे ऐसा दिखता है, आपको ऐसा दिखता है, तो क्या इसमें होना चाहिए। तो एक दूसरे से जब आप बात करेंगे, एक दूसरे को समझाएंगे, तो आपको दोनों तरफ का परसेप्शन समझ में आएगा, और फिर उसमें से जो भी बेहतर रास्ता निकलता है वो बच्चे की तरबियत के लिए आप इंतखाब करें और उसको फॉलो करें। तो इसमें मेरा बिल्कुल भी ये कहना नहीं था, वालदेन को समझाने से मकसद ये नहीं था कि आप वालदेन को खुद जो है वो मास्टर समझ के, यू नो, यू आर जस्ट टेलिंग देम कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं। समझाने से मरियम, क्या, आप अपनी लव बात। समझाना, लव्स आप नेक्स्ट के लिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि वालदान है अल्लाह के बाद, है ना, अल्लाह और उसके रसूल के बाद दर्जा माँ बाप का है। ये चार उंगलियां देख रही हो आप, ठीक है, ये जो सबसे नीचे वाली उंगली है ना, ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, जी बिल्कुल, माजरत के साथ इंटरव्यू में आपका कर रहा हूँ, लेकिन ये बात मैं इट्स ओके, वी आर लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। सीखने वालों के साथ, ये जो उंगली है ना, ये हम है हाँ इंसान खुद है। उसके बाद ये जो उंगली है ना, इसको फलसफे को कभी अपने हाथ के फलसफे को समझना बैठ के कभी, ठीक है, ये जो उंगली है ये हम है, सबसे कमतर हम खुद हैं, ठीक है, यानी कि कमतर से मुराद सबसे कम रोल इस माशरे में, इस फिजिकल दुनिया में हमारा है, ये हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है, ये इस फिजिकल दुनिया में, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बड़ा रोल इस दुनिया में
इस दुनिया को लॉन्च करने में, इस दुनिया को चलाने में, इस दुनिया के सिस्टम को समझाने में, करने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके जरिए से खुद अल्लाह फरमाता है कि अगर मैं आपको पैदा कर ना करता तो किसी चीज को भी ना पैदा कर। और ये मैं कहता हूँ कि खुदा की जात है। अगर इस इंसान को अल्लाह की जात तक पहुंचाया ना, कभी भी डायरेक्ट नहीं पहुंच सकता, ये मिल नहीं सकता। मिल सकता है? No. उसको पहले कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा वालदैन के साथ, वालदैन के साथ एक अच्छा इंटरेक्शन पैदा करना पड़ेगा, उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचना पड़ेगा, और उसके बाद खुदा तक पहुंचना पड़ेगा। बात समझे? Yeah, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, इस पे गौर करना। ये बस मैंने शॉर्ट करके बात बता दी, ये बहुत लंबा फलसफा है। ये फलसफा बहुत लंबा है, शॉर्ट बताई है, इसको गौर करना है बैठ के, और फिर सोचना है कि यार ये क्या चीज है। और हम लोग चाहते हैं कि हम डायरेक्ट कहाँ से कहाँ पहुंच जाए, मतलब बड़ी एक लंबा फलसफा है। लंबा फलसफे में अभी मैं बात नहीं करना चाह रहा, कि हमारा पॉइंट नहीं, लेकिन जस्ट एक आपको बात कर दी कि पेरेंट्स क्या है, मतलब औलाद क्या है, उसके माँ बाप क्या है, फिर उसके बाद कहाँ से कहाँ तक बात कैसे जाती है। अब आगे चलते हैं हम अपने पॉइंट की तरफ। आप थक तो नहीं गई? नहीं नहीं देख सकते हैं, देख ले। नहीं आप बात कीजिए, क्योंकि मेरा तो जी चाहता है कि आपसे बात करता रहूं, क्योंकि डेली इन टॉपिक्स पे तो बात नहीं होगी हमारी, डेफिनेटली अगर कभी बात होगी तो फिर किसी और तरीके से। और एक सुनते सुनते हमें बोलना हो जाए। नहीं उनकी खैर है, उसकी वजह ये है कि मेरा ये नहीं है। अब ये जो इंटरव्यू जो हो रहा है, अब कल मैंने एक इंटरव्यू किया, किसका इंटरव्यू किया था उसका, अल्लाह आपका भला करे, हिना का, हिना कमल का मैंने इंटरव्यू किया। वो हमारा इंटरव्यू था 1 घंटा 47 मिनट का, ठीक है। अच्छा अगर आप डिस्क्रिप्शन पढ़े ना, तो मैं साथ साथ जो हमारे पॉइंट डिस्कस हो रहे थे, मैं उन्हीं को साथ साथ पीछे मेंशन कर रहा हूँ। मैंने पहले डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी थी, और मैं लिख भी सादा लफ्जों में वो करूँ। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये जो हमारी पूरी इतनी लंबी डिस्कशन है, इसको मैं काट काट के एक एक पॉइंट बना के यूट्यूब पे डाल दूंगा, ठीक है, ताकि लोगों को वो हर पॉइंट अलग अलग समझने में मदद मिले। इसीलिए मैं अगले सवाल को पहले जवाब नहीं मांग रहा, इसीलिए एक एक सवाल को क्लियर करके उसकी, चाहे मुझे खुद भी कुछ बोलना पड़ रहा है तो बात करके उसको क्लियर करके आगे चल रहा हूँ, ये मेरा एक अंदाज है। अच्छा खैर, मकसद यानी कि इंटरव्यू का हमारा मकसद, मेरा मकसद तो ये नहीं होता कि हमें मतलब ऑडियंस को किसी को कुछ करना है। हमारा मकसद है आपस में कुछ सीखना, सीखना सिखाना, गपशप करना, ये सारी चीजें। अच्छा अब अगला सवाल, वो जो दूसरी बात थी मेरी, कि जब बच्चे जवानी की तरफ आ जाते हैं, मतलब कम सन उम्र जिसको हम कहते हैं, उस कम सन उम्र में बच्चे अपने वालदैन को टोटली रिजेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, और ये मतलब मेरा 95% ये मेरा एक्सपीरियंस है। अच्छा ये एक्सपीरियंस अब आपके जहन में आएगा बार बार, ये रिजवान हर बार में ये कह रहा है कि मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है। उसकी रीज़न ये है कि मैंने 10 साल टीचिंग की है, FSC के बाद से लेके, और पिछले 2 साल पहले तक मैंने टीचिंग की है। तो बात यह है, देखने में यह आता है कि बच्चे जो कम सन उम्र के बच्चे हैं, वो अपने पेरेंट्स को रिजेक्ट करते हैं, उनकी सोच को भी, उनकी बातों को भी, उनकी हर चीज़ को। उनको ये लग रहा होता है कि हम मतलब इस दुनिया में हम हैं, ये दुनिया कुछ और है, जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे वालदैन जो हैं, ये किसी और दुनिया में रह रहे हैं, तो ये हमें कुछ गलत सबक दे रहे हैं। या यूँ लगता है बच्चों को, कम सन उम्र के जो बच्चे होते हैं, उनको ये लगता है कि हम ठीक हैं, हमारे वालदैन गलत हैं। यानी कम सन उम्र के बच्चों को मैं ले रहा हूँ, जो बच्चे 6th क्लास से लेके 12th तक, FSC के बच्चे, इस एज तक जो बच्चे हैं उनको मैं ले रहा हूँ, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? वेल एडोलेसेंस एज कहलाती है ये, और इस उम्र में चूंकि बहुत सारी तब्दीलियां आ रही होती हैं, और इंसान का जो है वो बिल्कुल एक जो उसका बॉडी का जो निज़ाम है बिल्कुल तब्दील हुआ हुआ होता है, तो उसकी वजह से जो दिमाग के अंदर ये सारी सवालात और कन्फ्यूजन्स जो होती हैं वो इस वजह से होती हैं। और ये बहुत नेचुरल नॉर्मल है, और हर ह्यूमन बींग पे ये वक्त आता है, और हर इंसान इस दौर से गुजरता है, और इस दौर की गलतियों से बहुत कुछ सीखता है।
क्योंकि ये बात जो आपने बिल्कुल सही कही कि वो अपने दोस्तों के करीब ज्यादा हो जाते हैं और फैमिली से दूर हो जाता है, क्योंकि ये टाइम होता है बच्चे की सोशलाइजेशन को, सोशलाइजेशन बढ़ाने का या सीखने का। तो इसमें जो है ये दिस इज वेरी नेचुरल कि उसके ऊपर उसका पेयर इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द फैमिली, क्योंकि फैमिली के साथ वो इतना लंबा अरसे रहा है और उसने वक्त गुजारा है, अब उसको बाहर की दुनिया नजर आ रही है, बाहर लोग नजर आ रहे हैं, दोस्त नजर आ रहे हैं और बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं। तो जाहिर सी बात है वो उनसे मुतासर हो रहा है, उनसे इंटरेक्शन उसका बढ़ रहा है, तो दैट इज वाई वो समझने लगता है। और फैमिली के अलावा भी दीगर परसेप्शन उसके सामने आ रहे हैं कि दोस्त क्या सोचते हैं, दोस्त की फैमिलीज क्या सोचती हैं, या और लोग सोसाइटी में कैसे सोचते हैं या क्या करें, क्योंकि उसके अपने अंदर ना बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, क्या है, क्यों है, कैसे है, कौन सी वैल्यूज ठीक हैं, कौन सी गलत हैं। अब फिर वो कंपैरिजन शुरू कर देता है बच्चा अपने अंदर कि मेरे घर में ऐसा होता है, दूसरों की फैमिलीज में ऐसा होता है, तो अब इसमें से कौन सही है, कौन गलत है। क्योंकि अगर उसके दोस्त उसको कोई बात बता रहे हैं तो वो भी बड़ी ऑथेंटिसिटी से बता रहे हैं कि भाई हमारे घर में या उन जो भी वो अपनी कल्चरल प्रैक्टिसेस लेकर आए हैं वो अब उनसे शेयर कर रहा होता है, बच्चों से बच्चा अपने शेयर कर रहा होता है। तो वो इस पूरे टाइम में ये कंफ्यूजन उसकी चल रही होती है कि कौन सही है कौन गलत है। तो ऐसे में वालदैन को चाहिए कि वो बच्चे की इस कंफ्यूज्ड दौर में उसके साथ अटैच रहें और उसके साथ जुड़े रहें, चाहे वो आपकी मुखालफत तो करेगा, पेरेंट को ये बात समझना चाहिए कि ये टाइम है इसकी मुखालफत करने का और हमें इसकी मुखालफत को सहना भी है और समझना भी है कि ये जो मुखालफत है ये परमानेंट नहीं है, इट्स अ टेम्पररी टाइम पीरियड और ये गुजर जाएगा। लेकिन अगर इस वक्त हमने अपने बच्चे को सही रास्ते पे नहीं डाला और उसको छोड़ दिया ये सोच के कि ये इतना इख्तलाफ राय रखता है या ये इतना बदतमीज हो चुका है या ये इतना बदतहजीब हो चुका है, तो अगर आप ये समझ के बच्चे को छोड़ देंगे तो उसके लिए फिर वापस पलटना बहुत मुश्किल होगा, फिर ये सारी चीजें उसके अंदर परमानेंट होती चली जाएंगी। लेकिन पेरेंट्स को ये बात समझना चाहिए कि ये दौर जो है वो टेम्प्रेरी दौर है, इसके बाद बच्चे ने संभलना ही होता है आगे जाके। अगर आप उसके साथ रहेंगे, अगर आप उसका साथ देंगे और ठीक तरीके से उसको, चाहे वो दोस्तों का इंतखाब है, चाहे वो आदतों का इंतखाब है, चाहे वो किसी भी चीज़ का इंतखाब है, उस सारी चीज़ों में आप उसको रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस दें, उससे पूछें, उससे सवाल करें कि अगर तुम ये काम करना चाहते हो तो क्यों करना चाहते हो, उसका रीज़न क्या है, उस रीज़न के ऊपर उससे मजीद सवाल करें कि क्या ये रीज़न सही है जो तुम करना चाहते हो, क्या इसके अंदर कोई लॉजिक है जो तुम ये काम करना चाहते हो। क्योंकि बेसिकली इस दौर में जो बच्चे काम कर रहे होते हैं उसका कोई रीज़न नहीं होता, वो सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए या दूसरों को अपने से खुश रखने के लिए कर रहे होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द एडोलेसेंस एज में जो है ये एक हमें नज़र आता है कि उनके अंदर जो है वो दुनिया को खुश करना चाहते हैं, वो लोगों को खुश करना चाहते हैं, वो अपने से जुड़े दोस्तों को खुश करना चाहते हैं ताकि वो उन्हें पसंद करें और उनकी एक पॉपुलैरिटी हो और उनका एक नाम हो और उनकी एक रिकग्निशन हो सोसाइटी के अंदर। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो ये बात सारी बात बच्चों को समझाएं और उनसे बारहा सवाल करते रहें कि अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें पसंद करें, तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करें, तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें फॉलो करें, या तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें जो है अच्छी उससे याद करें, तो उसके लिए कुछ और तरीके भी हो सकते हैं। ये तरीका जो है सोसाइटी के अंदर जो है वो इतना ज़्यादा रिस्पेक्टफुल नहीं है या बेहतर नहीं है या ठीक नहीं है। तो जब तक आप उनसे इस लेवल पे, अब चूंकि वो दोस्तों के करीब होता है इस एज में, तो पेरेंट को भी एक दोस्त का ही रोल अदा करना पड़ेगा इस उम्र में, क्योंकि बच्चा ये समझ रहा है कि दोस्त सबसे बेहतरीन है। तो उस टाइम पे चाहिए पेरेंट को वो पेरेंट ना बने बल्कि उसके दोस्त बन जाए और उस पे वो बच्चे का एतमाद जीते इस दोस्ती से, और एतमाद जीत के उसको ये भरोसा दिलाएं कि सबसे बेहतरीन दोस्त इस वक्त दुनिया में